आज ही के दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और आज ही माँ गायत्री का जन्मदिन होता है। इस पर विशेष कार्यक्रम यहाँ पे कल 11 तारीख का सवेरे 6 से शाम को 6 तक अखंड जप चलता है, जिसमें सभी जने गायत्री मंत्र का जप करते हैं और सूर्य की साधना करने से सब तरह का लाभ प्राप्त होता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और पूरे राष्ट्र निर्माण हेतु कार्य किया जाता है। और आज यज्ञ किया जा रहा है, यज्ञ में विशेष आहुतियाँ सभी के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए और परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व कल्याण के लिए यहाँ पे आहुतियाँ दी जाती है। गायत्री मंत्र से सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निधाना, सब तरह की सद्बुद्धि गायत्री मंत्र से प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य ब्रह्मांड का प्रतीक है। सूर्य से ही साधना से व्यक्ति का आत्मबल मजबूत होता है और व्यक्ति सुसंस्कृत होता है। और इसके तहत आज यज्ञ और 16 संस्कार जो हमारे होते हैं, सबसे पहला पुंसवन संस्कार, उसके बाद नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, ऐसे 16 संस्कार होते हैं, जन्मदिन, विवाह दिन, सारे संस्कार कराए जाते हैं। आज हमारी गायत्री परिवार की तरफ से विवाह संस्कार भी होने जा रहे हैं, तो 16 संस्कार निःशुल्क कराए जाते हैं। इच्छा से व्यक्ति अपना कुछ दे, क्योंकि उसके ऊपर देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण चढ़ जाता है। अगर कुछ अपना समय दान, अंशदान देना, गायत्री परिवार पूरा 1 रुपया अंशदान और 1 घंटा समय दान पे ही आज पूरे विश्व के 80 देशों में गायत्री परिवार की शाखाएं हैं और सभी परिजन 1 घंटा समय और 1 रुपया नित्य श्रेष्ठ कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए लगाते हैं। सभी से निवेदन किया जाता है कि भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाएं। क्या किया? मैं यहाँ से बचपन से जुड़ी हुई हूँ, यहाँ से मेरा विशेष आत्मिक लगाव है और जिस दिन भी मैं मंत्र या जप नहीं करती उस दिन मेरा मन नहीं लगता है। यहाँ आके मुझे बहुत शांति मिलती है, मेरे को किसी भी प्रकार की परेशानी हो, मानसिक, आर्थिक या सामाजिक, तो मैं उस टाइम गायत्री शक्तिपीठ आती हूँ और आधा घंटा भी अगर जप करती हूँ माता जी और गुरु जी के सामने, तो मेरे को आत्मिक शांति मिलती है। इसके साथ साथ जब मैं वापस लौटती हूँ घर पे, तो वो परेशानी अपने आप ही दूर हो जाती है। आज का जो ये आयोजन होता है हमारे शक्तिपीठ की तरफ से, तो उसमें ये रहता है हमारा सबका प्रयास कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जनसाधारण को इसमें जोड़े, ताकि वो लोग भी इस आत्मिक और मानसिक लाभ पा सके इस गायत्री साधना से जुड़ के। कि हमारे गुरुदेव की यही इच्छा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा परिजन इससे जुड़े और सबको मानसिक और आत्मिक बल मिले। मैं करवा दूंगी इसका बाद में आराम से, क्योंकि अभी ये जल्दी वाले बैठ गए, शरण जी जल्दी बचाएंगी। गायत्री मंत्र एक बहुत बड़ा मंत्र है और इससे हमें शक्ति मिलती है, आत्मबल आता है, कॉन्फिडेंस आता है, पॉजिटिविटी आती है और अच्छे काम करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। ये गंगा दशहरा है और गायत्री जयंती भी है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम जी आचार्य साहब, उनका जो महाप्राण आज ही हुआ था, आज का दिन हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। गायत्री शक्तिपीठ पर एक दिन पहले सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अखंड जप चलता है, जिसमें पारी पारी में सभी जना आकर अखंड जप करते हैं। उसके पश्चात 8:30 बजे से हवन शुरू हुआ है, 9 कुंडी यज्ञशाला तैयार हुई है, रात को सारी तैयारियाँ की गई है और सभी जोड़े से जितने भी गायत्री परिवार के परिजन हैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, वो सब जने यहाँ आकर और हवन करते हैं। हवन के पश्चात सभी का भोजन प्रसाद होता है और पूना होती है। जो शाम की गुंज में स्थापित है वहाँ प्रत्यक्ष गायत्री मंत्र का प्रभाव आज प्रभाव आदमी की शारीरिक, मानसिक और प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही यहाँ तक कि कोई पेट दूधों के बुझे हुए पौधों को गायत्री मंत्र के प्रभाव से उन्हें जीवित किया जा सकता है। इसके अलावा गायत्री मंत्र का बता एकदम प्रभावशाली है कि आज भी गायत्री मंत्र के जपने से अपने आप को शांति महसूस करता है। जहाँ भी हम सोचते हैं कि काम बड़ा कठिन है, लेकिन उसको करते हैं तो सरल हो जाता है, अपने आप व्यवस्था बनती चली जाती है। गायत्री मंत्र से बहुत कुछ उपलब्धि प्राप्त हुआ है। गायत्री मंत्र किसी का अभाव नहीं रखती,
ये गायत्री मंत्र सब बुद्धि का देवी है। जो गायत्री मंत्र जपते नहीं है उनके जीवन अंधकार रहता है। जो गायत्री मंत्र हम लोग नहीं जपे इसलिए गुलामी प्रथा में चले गए। कविंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है पहले भारत भूषण कहलाता था जो सब गायत्री मंत्र का जप करते थे, लेकिन आज कोई गायत्री मंत्र जप नहीं कर रहा है। लेकिन परम गुरुजन ने इसको ऋषि परंपरा के जो हमारी जो संस्कृति है उसको गुरुजन ने पुनर्जागृत किया है। गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है कि हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। कई अद्भुत घटनाएं घटी हैं हमारे जीवन में, कई संकट आए, उन संकट में जब हमने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, गायत्री मंत्र का जप किया, तो हमारे वो संकट अपने आप दूर हो गए। और शांति कुंज भी जाके आए, शांति कुंज जाने से और भी संकट आपके जितने भी हो वे समाप्त हो जाते हैं। मेरा आपसे सबसे निवेदन है जी, आज गंगा दशहरा और गायत्री जयंती का पर्व है। आज ही के दिन माँ गायत्री का जो है अवतरण हुआ था। सतपुत्री की देवी और सबको ज्ञान देने वाली, विश्व में जो है बता देने वाली, कुछ गोबर ने इसको जन जन तक पहुँचाया और पाप से विमुक्त किया। आज जन जन गायत्री का साधना करते हैं और अपना दुख को निवारण कर सकते हैं, और इसका लाभ वही सुन सकता है जिसने इसको अनुभव किया है। हमने अपने जीवन में कई अनुभव किए हैं, कई अप्रत्याशित हमारे को इसके लाभ मिले हैं और हम इसका जो है नियमित जप करते हैं। कुलाधिपति विश्वविद्यालय चलता है, एक ये भी लाइन डाल देना। और जब भी भोजन करें दोनों समय तीन बार गायत्री मंत्र बोल के फिर भोजन करें और एक गायत्री चालीसा का पाठ अवश्य करें। करनी बची हुई है, सब परेशान हो रहे हैं तो सभी जीव जंतु की दया करें और तीन आम की वरुण भगवान को मन से आम की लगाइए ताकि जल की बारिश आए। ओम मिष्ठान और घी ले लीजिए और बाकी कोई भी आरती नहीं दे, ये मिष्ठान की आरती। ओम यदस्य कर्मणो यदीरिजं यद्वानुगुणमिह।